नमस्कार मैं प्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को भारत में पिछले दो दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है जो एक शुभ संकेत मान सकते हैं बीते 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना के कुल दो लाख अड़तीस हजार अठारह नए मामले सामने आए हैं जो सोमवार को सामने आए मामले से करीब बीस हजार इकहत्तर कम है हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना से तीन मरीजों की जान भी चली गई है इस दौरान एक 421 मरीज ठीक भी हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब करीब सत्रह लाख छत्तीस हजार छह सौ अट्ठाईस सक्रिय मामले हैं और दैनिक सकारात्मक दर भी घटकर चौदह दशमलव चार तीन फीसदी आरोप आ गई है खुफिया एजेंसियों को गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट मिला है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनेक गणमान्य व्यक्तियों की जान को खतरा बताया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौ पन्नों की खुफिया जानकारी में पीएम मोदी और उन हस्तियों के लिए खतरा बताया गया है जो भारत के पचहत्तरवे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण तो अलर्ट रेल मंत्रालय ने आज यानी कि अट्ठारह जनवरी 2022 को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 के नतीजों की घोषणा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है संबंधित केंद्रित रोजगार सूचना के अनुसार ही की गई है इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हुए देशभर के कई उम्मीदवारों द्वारा एनटीपीसी परिणाम पर उठाए जा रहे विभिन्न आपत्तियों पर स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है भाजपा ने यूपी की एक सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है इसमें से कुल पच्चीस उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश भाजपा की वेबसाइट पर इन उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं आपराधिक मुकदमे वाले उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है उनके अलावा बिजनौर के नजीबाबाद सीट के उम्मीदवार कुंवर भारतेन्दु सिंह थाना भवन सीट के कैंडिडेट सुरेश राणा मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट कपिल देव अग्रवाल का नाम शामिल है मेरठ सिटी के कैंडिडेट कमल दत्त शर्मा भी इस लिस्ट में है रूस ने तमिलनाडु में कुडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छठे रिएक्टर का निर्माण शुरू कर दिया है छह दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह शुरुआत हुई है अधिकारियों ने बताया कि रूसी परमाणु इंजीनियरिंग कंपनी एटमैश के एनपीपी में यूनिट नंबर छह के लिए परमाणु रिएक्टर और स्टीम जनरेटर का निर्माण कर रही है रूसी कंपनी रोसाटॉम कुन कुलम संयंत्र के लिए टेक्नोलॉजी मुहैया करा रही है जिसमें प्रत्येक में एक हजार मेगावाट क्षमता की छह यूनिट्स पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है उनकी इस घोषणा से भावुक हुए भगवंत मान की आंखों में खुशी के आंसू दिखे वो भावुक होकर अरविंद केजरीवाल के गले लग गए हैं और इस ऐलान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है भगवंत मान ने कहा कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं ये जो सम्मान मिला है मैंने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था संगरूर लोकसभा सीट से दो बार के सांसद भगवंत मान ने कहा है कि मैं लुधियाना के किसी चौक में झाड़ू लगाने को तैयार हूं बस मेरे पंजाब को सुधार दिया जाए मैं तो पार्टी का सिपाही हूं चाहे पोस्टर चिपकाने की ही जिम्मेदारी क्यों मिले वो उठाने को तैयार हो उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सपा की मान्यता खत्म करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है ये जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है उपाध्याय ने अपनी अर्जी में कहा है कि यूपी में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसे में आपराधिक लोगों को रोकने के लिए इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है पंजाब में अवैध रेत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है एजेंसियों की तरफ से जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनमें से एक राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा भूपेंद्र सिंह हनी भी है एजेंसी ने मंगलवार को सुबह ही भूपेंद्र सिंह हनी और उसके दस अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की पंजाब में वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले इस एक्शन के चलते राजनीतिक पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया था इस भाषण से ज्यादा उनके बीच में रुक जाने की एक क्लिप की चर्चा हो रही है दरअसल वो भाषण के बीच में रुक जाते हैं और फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आयोजकों से पूछते हैं कि क्या उन्हें उनकी आवाज आ रही है इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर डे काम करना बंद कर दिया था जिस पर ही भाजपा नेता राहुल कोठारी ने गांधी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के यूट्यूब चैनल पर पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण बीच में से ही शुरू हो गया था इसके अलावा अंग्रेजी इंटरप्रेटर की आवाज भी नहीं आ रही थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार रात से रविवार सुबह तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की आशंका जताई है आईएमजी के सीनियर वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बादल छाए रहेंगे जिससे न्यूनतम तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा आईएमजी के आरके जेना मनी ने बताया है कि कुछ दिनों पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण एनसीआर में भारी बारिश हुई थी साउथ की फिल्मों का इन दिनों डंका बज रहा है अभिनेता सूर्या की फिल्म जय भीम कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी जिसे दर्शक के साथ समीक्षकों ने जमकर सराहा था फिल्म समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और पुलिस सिस्टम की कहानी बयां करती है अब फिल्म के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है दिल्ली में चल रही कोरोना की तीसरी लहर के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं गौतम ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि वो कोविड 19 से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपने टेस्ट कराने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद मंगलवार को पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में अपने वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराई पीएम नरेंद्र मोदी काशी क्षेत्र के करीब दस हजार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े करीब पैंतालीस मिनट के इस कार्यक्रम में उन्होंने आठ लोगों से संवाद भी किया नमो ऐप ने पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद सूत्र का काम किया अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश के मध्य विवाद और गहरा गया है दरअसल अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यूएसएस पंडुबी के गुआम द्वीप के एक दुर्लभ बंदरगाह पर अचानक आवाक से यहां हलचल बढ़ गई इस पंडुबी की दस्तक से चीन और उत्तर कोरिया सख्ते में है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपनी पंडुबी क्यों भेजी चीन के एशिया में पांव फैलाने और विशेष रूप से भारत पर निगाह रखने और दबाव में लाने की नीयत किसी से छिपी नहीं है अब यही बात विशेषज्ञ भी मान रहे हैं विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री बेस के लिए करना चाहता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मंगलवार शाम साढ़े चार बजे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती देखी गई सरकार द्वारा जारी एक मीडिया एडवाइजरी के अनुसार सीतारमण आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे पर साढ़े श... चार बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूदा समय में केंद्रीय बजट दो के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ पूर्व बजट चर्चा भी कर रही है वो एक फरवरी को बजट पेश करेंगे साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता धनुष अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से अलग हो गए हैं सोमवार को धनुष और ऐश्वर्या ने एक साथ सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर खुद के अलग होने की घोषणा की इसके बाद से कई फिल्म सितारे और उनके फैंस काफी हैरान हैं वहीं धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के अलग होने की घोषणा के बाद मशहूर निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर शादी और तलाक को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए अपने ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने शादी को खराब बताया है ब्रह्मांड पर नजर रखने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है इसकी बड़ी वजह है कि आज मंगलवार 18 जनवरी 2022 को एक बड़ा पथरीला एस्ट्रॉयड धरती के पास से गुजरने वाला है हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्ट्रॉयड धरती को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित गुजर जाएगा इसलिए इस धरती पर कोई खतरा नहीं होगा इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने इसको खतरनाक एस्ट्राइड की श्रेणी में रखा है इसकी वजह से यह धरती से काफी पास से गुजरने वाला है देश में वैक्सीनेशन अभियान के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड 19 वैक्सीन की एक दशमलव एक छह करोड़ और से अधिक डोज उपलब्ध करवाई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मुफ्त चैनल और प्रत्यक्ष तौर पर राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक एक करोड़ सोलह लाख पचहत्तर हजार छह वैक्सीन की अतिरिक्त डोज प्रदान उपलब्ध करवाई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि 12 से 14 साल के आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बारह से चौदह साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू मंगलवार सुबह हल्के लक्षणों के साथ कोरोना संक्रमित पाए गए एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और वो कोरोना से सावधानी बरत रहे भारत की आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है हर भारतीय आजादी के उत्सव पर उत्सव उत्साह और उमंग से भरा होता है गणतंत्र दिवस पर परेड और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए पूरा देश साल भर इंतजार करता है लेकिन इस साल पचहत्तर वर्षों में पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस परेड सुबह दस बजे के निर्धारित समय पर शुरू नहीं होगी जी हां इस बार कोविड 19 प्रतिबंधों और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के साथ परेड तीस मिनट की देरी से शुरू होगी अरुणाचल प्रदेश के बसर में मंगलवार सुबह को भूकंप के झटके महसूस किए गए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है कि आज तड़के सुबह अरुणाचल प्रदेश के बसर में चार दशमलव नौ तीव्रता का भूकंप आया एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र दस किलोमीटर की गहराई में था बसर के एक उत्तर उत्तर पश्चिमी में सुबह साढ़े बजे से ये झटके महसूस किए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित नई विषाणु रोधी तकनीक कोरोना वायरस के हवा में संक्रमण को कम करने में पूरी तरह प्रभावी है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इसे ट्रेन के कोच एसी बसों और अन्य बंद परिसरों में लाया जा रहा है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी और कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीमित क्षमता के साथ बंद परिसर में बैठने के दौरान इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कहेगी घातक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के कारण देश में आई कोरोना महामारी की तीसरी लहर दिल्ली और महाराष्ट्र में पीक पर पहुंच चुकी है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल के अनुसार महाराष्ट्र गुजरात और हरियाणा इस सप्ताह तीसरी लहर अपने शीर्ष पर होगी उन्होंने ये बात आईआईटी के सूत्र मॉडल के आधार पर कही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल कोविड 19 टास्क फोर्स ने व्यसक कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए संशोधित नैदानिक गाइडलाइन जारी की है नई गाइडलाइन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यसकों को तीन वर्गों में बांटा गया है इनमें माइल्ड मॉडरेट और सर्वसिवियर यानी कि गंभीर श्रेणी के मरीज शामिल किए गए हैं संशोधित गाइडलाइन में तीनों प्रकार के मरीज के लक्षण एहतियात और उपचार के बारे में जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को उत्तर प्रदेश पंजाब गोवा उत्तराखंड और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी में शामिल होने से पहले कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक लगवाने का निर्देश दिया है गृह मंत्रालय का यह निर्देश कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आया है मौजूदा वक्त में कोरोना की नई लहर अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तेजी से संक्रमित कर रही है केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों के लिए शुरू की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है नए बदलाव के तहत अब पात्र किसान अपने मोबाइल नंबर के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे दरअसल सरकार ने इस योजना के अंतर्गत स्टेटस जानने वाले तीन विकल्पों में से एक को हटा दिया है सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों किसानों पर असर पड़ रहा है त्रिविक्रम श्रीनिवास और महेश बाबू जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे महेश बाबू त्रिविक्रम के निर्देशन में फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम एस एस एम बी अट्ठाईस है महेश ने अपने वर्तमान प्रोजेक्ट वारी पाता की शूटिंग पूरी कर ली है अब इसके बाद एस एस एम बी अट्ठाईस महेश की तत्काल फिल्म बनने जा रही है डॉक्टरों को कोविड 19 रोगियों को स्टेरॉयड देने से बचने की सलाह दी गई है सरकार ने कोरोना वायरस उपचार के लिए अपने संशोधित गाइडलाइन में यह बात कही है संशोधित गाइडलाइन में कहा गया है कि स्टेरॉयड वाले ड्रग्स अगर जरूरत से पहले या ज्यादा डोज में या फिर जरूरत से ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल किए जाने पर इनसे म्यूक्रोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिन्नत आलम अविनाश कुमार अजीत कुमार राजी अहमद नेहा सिंह अभिनव मनीष कुमार मोहम्मद आजाद रूपेश कुमार मोहम्मद अजमेर राजीव झा प्रीति कुमारी आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार देशभर में कोविड नाइन्टीन के वर्तमान हालात को देखते हुए क्या सभी राज्यों में जारी की गई पाबंदियों को हटा देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलायकॉन दबाना ना भूलें धन्यवाद